तो भाई अपना एक सब्सक्राइबर है करण धीर, उनका एक क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बेस्ट जो मैं दे पाऊँ अपनी तरफ से, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। करण धीर जी का कहना है कि भाई जो ये कंपनी स्कफ शीट लगा कर देती है वो क्यों लगाती है, मना करने के बाद भी क्यों लगाती है। तो भाई पहले मैं बता दूँ, अगर कंपनी मना करने के बाद भी लगा रही है उसका रीजन ये होता है कि जो जो भाई जो बिल्लों के अंदर दाग धब्बे होते हैं ना, जो गांठे टाइप वो होते हैं, ब्लेमिश मार्क्स जो होते हैं, उसको छुपाने के लिए वो लगाया जाता है। और अगर आपके ग्रेन्स जो है इवन नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, उनके अंदर कोई खराबी है, तब भी वो स्कफ शीट लगा के देंगे। और जो सबसे नीचे कैटेगरी का जो ग्रेड 6-7 का बिल्लो होता है, इंग्लिश बिल्लो, वो एक्चुअल में टेढ़ा मेढ़ा और थोड़ा ग्रीनिश टाइप के क्लीन नहीं होता है। उस क्लीननेस को छुपाने के लिए भाई, कि वो गंदा है फेस तो कस्टमर में भी शायद उसको परचेज ना करे, उस चीज को छुपाने के लिए ना कंपनी स्कफ शीट अप्लाई करके देती है। अब जैसे मेरे में ये विंटेज देखोगे तो विंटेज जो है ये मेरा 5.0 है, मैंने ये खरीदा है, ठीक है। अब प्रोफाइल बहुत तगड़ा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये लेकिन कंपनी ने इस पर स्कफ शीट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया ना, टो गार्ड होता है। इसका बेनिफिट ये होता है आप ग्रेन्स को इवनली मैच करा सकते हैं आगे से पीछे तक, ठीक है। कुछ कंपनी टो गार्ड लगा देती है, टो गार्ड लगे हुए बैट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गेम हो सकता है कि भाई जो ग्रेन्स है ना आपके, इवनली पीछे मैच नहीं करेंगे वो ग्रेन्स, आपको यहां तक मैच करनी चाहिए, यहां से पीछे तक। अब बात ये है कि भाई शीट देखो, भाई शीट जो आपने, आप कह रहे हो उतारा तो मेरा ग्रेन्स जो आगे का भुट था वो आने लगा बाहर। देखो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, पर मैं आपको बताऊं, कभी भी देखना एक चीज नोटिस करना, जब आप तो स्कफ शीट को उतारोगे ना वो 100% एक तरफ से ही खराब होने वाला है। देखिए अगर आप इधर से इधर की तरफ गए तो वो अगर उठ रहा है, उसके रेशे निकल रहे हैं, इसका मतलब जो वुड का जो सरफेस होता है ना वो एक तरफ क्लीन होता है और एक तरफ उसको हटना ही होता है, उसकी ग्रो ही ऐसी हुई होती है। तो सपोज कीजिए अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे थे और वो निकलने लगे, आप वहीं रुक जाओ हल्का सा, इसका मतलब आपको उस साइड से नहीं उठाना है, आपको दूसरी तरफ चलना है। दूसरी तरफ से हल्का सा इसके सीट को उतारते हुए, ठीक है ना, उसको पहले उतारने से पहले थोड़ा सा हीट कर लो, किसी भी चीज से हीट कर लो, उसके बाद उसको हल्का 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 उतारोगे ना, इसके सीट को हीट मार के, हीट गन ले लो या फिर किसी चीज से हीट कर लो, उसको निकाल लोगे ना हल्का हल्का, उधर से नहीं निकालना। आपने देखा कि इधर से निकालते टाइम उसके रेशे निकलने लगे, समझ जाओ कि वो उसका रिवर्स साइड है, वुड का वो रिवर्स साइड है। अगर आप उधर से उठा लोगे तो निकलेगा ही निकलेगा, उसका करेक्ट साइड उसका दूसरा साइड होगा। आपको वो दूसरी साइड से उसको हल्का हल्का हॉट गन लेके या किसी चीज से हॉट करके उसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद वो इजीली रिमूव हो जाएगा, पहली बात। उसके बाद अगर तो गलती हो गई है, ठीक है, आपने खराब कर दिया है बैट, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं करना। एक मैं आपको रेग माल बता देता हूँ, ये रेग माल जो है ना, ये आपको 50 नंबर का रेग माल है, 50 का ले लो, 60 का ले लो, ये रेग माल आएगा 50 का, 60 का, ये ठीक है, ये 50 और 60 का रेग माल आएगा, 50 और 60 नंबर का। इसको आप अप्लाई करना उसके ऊपर, ठीक है। अभी इसका शीट निकल भी जाएगी ना तो उसमें गोम गोम टाइप रह जाएगा, तो उसको आपको ब्लेड से या फिर किसी तेज धार वाले चप्पू से ना उसको हल्का हल्का बड़े बारीक तरीके से उसको हटाना पड़ेगा, बहुत 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 ज्यादा टाइम लगेगा उसके अंदर। इससे बढ़िया पता क्या होगा, आपने स्कफ शीट हटा दी ना, तो चलो हटा दी कोई नहीं, एक नई स्कफ शीट दो और उसको दोबारा अप्लाई कर दो, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, अगर ज्यादा झंझट से नहीं बचना चाहते। और अगर आप झंझट पालना चाहते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उसको बारीक तरीके से उसको रिमूव करो हल्का 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 चाकू से, जब वो क्लीन हो जाए फेस तो उसको रेग माल मारो 50 या 60 नंबर से। फिर एक रेग माल आएगा 1000 नंबर का, बिल्कुल बारीक वाला, जिससे हम घर में पेंट वेंट के जो यूज करते हैं ना उसको, उसको फिर घिसो, उससे उसके अंदर पॉलिश आएगी, पॉलिश आएगी उसका चमक लगा। उसके बाद आप अप्लाई करके, चाहे ऑयल लगा के अप्लाई करो स्कफ शीट नहीं, या फिर उसके बाद वैसे ही अप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो मेनली तो भाई आप, अगर आप, मैं बताऊँ, अगर आपने लो बजट का बैट लिया है ना तो उस पर स्कफ शीट लगी आती आती है। इंग्लिश विल्लो अगर 5000 से नीचे का है तो उसके उस पर आपको स्कफ शीट मिलेगी मिलेगी, 4500 से 4000 के बिल्लों पे आपको स्कफ शीट मिलती है, क्योंकि वो ग्रेड 6 का बैट होता है और 6 में स्कफ शीट मिलती है। 5 तक में भी कई कंपनियां स्कफ शीट देती हैं, लेकिन जैसे आप 4 पर आ जाते हो स्कफ शीट हट जाती है, 3 फेस बैट आपको मिलने लगते हैं, तो आप
चाहे तो थोड़ा ना एक्सपेंस एक बार लेना है बैट, थोड़ा एक्सपेंस ले लीजिए, 4,000, 5,000, 6,000 तक के बहुत सारे बैट मेरे से पूछ लीजिए, मेरे पास कई सारे बैट हैं। अभी ये बैट है, ये न्यू बैट है, अब मेरे को ये रेडी करके देना है और भाई को जिसको खरीदेगा। मैंने इसमें ऑयलिंग कर दी, फेस टेप मैंने लगाया, सारा काम मैंने कर दिया, बैंड भी मैंने चढ़ा के दिया है, अब बस ये डिलीवर करना है भाई को। मैंने मंगा के दिया था ये, उसको पेंट करके रेडी करके मैं दे रहा हूँ इसको, और कस्टमर ऑलवेज हैप्पी है। तो अगर आपको किसी बैट के रिगार्डिंग, मुझे खरीदना नहीं है मगर आप रिकमेंडेशन मुझसे ले सकते हैं कि किस बजट में कौन सा बैट बढ़िया रहेगा, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि हाँ भाई ये बैट लेना सही है या नहीं है। बाकी मैं आई होप मेरी आपके जो स्कफ शीट का प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन मैंने दे पाया होगा। अगर नया बैट है उतार, पहली बात तो उतारिए मत, क्योंकि वो दिक्कत देगी, और अगर आपने उतार भी दी है, गड़बड़ हो गई है, तो उतारते टाइम आप रिवर्स, अगर आपने हटाया उसके रेशे निकल रहे हैं उसे वहीं छोड़ दो, रिवर्स साइड से उसकी निकालो, 100% सही निकलेगा, थोड़ा हॉट गन मार लो वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। और अगर फिर भी गलती हो गई है, सब कुछ हो गया, तो सबसे पहले उसको आपको हटा के हॉट गन मार के हटा लो प्रॉपरली, उसके बाद उसको चाकू से या फिर किसी तेज धार वाले हथियार से खुरच खुरच के हल्का 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 उसका ग्रू निकालना है आपको। ग्रू निकलने के बाद 50-60 नंबर का रेक मार मारो, उसके बाद बारीक रेक मार मारो, तब जाके उसमें वो फिनिशिंग आएगी। उस पर ऑयलिंग करो, ऑयलिंग करके रख दो 6-7 दिन के लिए, और उसके बाद उसके बाद नया फेस टेप अप्लाई कर दो अगर आपको करना है। वैसे तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि बिना फेस टेप वाला लो, और अगर फेस टेप वाला ले लिया है तो उसको उतारो मत, क्योंकि बैट खराब हो सकता है, फेस पे तो थोड़ा अगली हो जाएगा। अब बाकी मैंने सोल्यूशन आपको बता ही दिया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ा वैल्यूएबल लगा हो तो। ओके।